दुनिया को वुहान वायरस से तबाह करने वाले चीन में कोरोना की सुनामी आ चुकी है। चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। चीन के अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों की भरमार है। छोटे से कमरे में 10 से 12 मरीजों का इलाज हो रहा है, जिसमें से कुछ को बेड तक नसीब नहीं है। वहीं अस्पतालों की मोर्चरी लाशों से भर गई है। अस्पताल के कमरों से लेकर कॉरिडोर तक शव ही शव नजर आ रहे हैं। चीन के श्मशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार है। लोग गाड़ियों से शव लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शवदाह के लिए लंबी लाइन है। शवदाह के बाद अस्थियों के लिए भी लाइन लगी हुई है। आखिर चीन में कोरोना की यह तबाही कैसे और क्यों फैली? चीन इस वक्त ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट BF7 और BA5.2 की तबाही झेल रहा है। दोनों अंधाधुंध रफ्तार से फैलते हैं। पूरे चीन में जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा था, जिसके बाद लॉकडाउन हटा लिया गया। टेस्टिंग भी 2 हफ्ते से बंद कर दी गई। चीन वैसे ही आंकड़े छिपाता रहा है और उसे ये कहने का बहाना मिल गया कि उसके पास कोविड के मामलों का हिसाब किताब ही नहीं है। उधर अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा तो चीन ने गुमराह करने की एक और नई चाल चली। उसने कहा कि सिर्फ रेस्पिरेटरी फेलियर से होने वाली मौत को ही कोरोना की मौत माना जाएगा, हार्ट अटैक से होने वाली मौत की गिनती कोविड में नहीं होगी। चीन के इस रवैये की वजह साफ है। अस्पताल में डॉक्टर, बेड और दवाइयां नहीं है। टेस्टिंग किट ब्लैक में बिक रहे हैं। चीन में बुखार और दर्द की दवा नहीं है। लोग सीधे फैक्ट्री के बाहर दवा के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और जिनपिंग दिखावे के लिए रातों रात अस्पताल खड़ा करने का प्रोपेगेंडा वीडियो भले ही जारी कर दें, लेकिन उनके पास लोगों की जान बचाने के इंतजाम नहीं है। चीन का रवैया यही रहा है कि जो मरता है वो मरता रहे। ये बेकाबू हालात तब हैं जब वैज्ञानिक चीन में कोरोना की 3 लहरों की भविष्यवाणी कर चुके हैं। पहली लहर इस वक्त जारी है, जो 15 दिसंबर से शुरू हुई और 15 जनवरी तक चलेगी। दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी, जब लूनर न्यू ईयर में चीन के लोग देश दुनिया में घूमते फिरते हैं। अगर दुनिया में चीन के लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो तबाही मच सकती है। वहीं तीसरी लहर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आएगी। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों की जान कैसे बचाई जाए। 65 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों में से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं चीन में जिन्हें वैक्सीन लगी है वो भी खतरे में है, क्योंकि चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90% तो भारत की कोविशील्ड 80% दमदार है। तभी चीन के लोगों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। कोरोना पर चीन की ये भयानक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आज तक ब्यूरो।